गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास सिक्स। आज आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ना है एसएसटी में। चैप्टर है 16 लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आपको समझना है कि अर्थ का इमेजिनरी लाइन लेटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड और इससे जो भी रिलेटेड पॉइंट है वह इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। समझने के बाद आप एक बार फिर से अपने से बुक को जरूर पढ़िएगा ताकि आपकी समझ अच्छी हो सके। आइए देखते हैं। सबसे पहले लेटिट्यूड्स क्या होता है, तो कहा जाता है हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे अगर हॉरिजेंटल लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिट्यूड्स। तो हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए यह अर्थ का स्ट्रक्चर है। अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम लोग लेटिट्यूड्स कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि लेटिट्यूड्स का मतलब लेटा हुआ। तो जो भी लाइन अगर आपको लेटा हुआ दिखे तो उसको समझिएगा कि लेटिट्यूड्स। तो समझ गए कि लेटिट्यूड्स क्या होता है, तो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ ऑन द अर्थ। अगर अर्थ पे कोई हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हो उसको हम लोग लेटिट्यूड्स कहते हैं। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि लॉन्गिट्यूड्स होता है कि इस तरह से अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो यही आपका लॉन्गिट्यूड्स होता है। तो लॉन्गिट्यूड्स जो लंबा हो, लेटिट्यूड्स जो लेटा हुआ हो। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड्स क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। कहीं कहीं इसमें इमेजिनरी पॉइंट भी जोड़ता है, ऐसे भी आप जोड़कर बोल सकते हैं। लेटिट्यूड्स पे टोटल कितना लेटिट्यूड्स होता है, तो 180 डिग्री। तो जानिएगा कि लेटिट्यूड्स में अगर टोटल जो लेटिट्यूड्स होता है वह 180 डिग्री होता है। अगर अर्थ पे पूछा जाए कि टोटल इमेजिनरी लाइंस कितना होता है, तो 360 डिग्री। अब इसका इक्वेटर पे कितना डिग्री होता है, तो 0 डिग्री होता है। अब आते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है। अब आते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 90 डिग्री होता है, तो इसके लिए आपको समझना होगा। तो देखिए यह अर्थ है, ऊपर जो ऊपर के पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ पोल। यह इस लाइन कितना डिग्री से पासिस होता है, तो 66 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद यह जो लाइन पासिस होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री नॉर्थ। जो बीच वाला लाइन होता है उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर का काम क्या होता है, अर्थ के टू इक्वल हाफ पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। और यह कितने डिग्री से पासिस होता है, 0 डिग्री से। तो आप ऐसे कह सकते हैं, आपको देखने में भी लग रहा होगा कि सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल लाइंस कौन सी होता है, तो इक्वेटर होता है। और वह कितना डिग्री फॉर्मेशन करता है, तो 0 डिग्री। तो इसको समझ गए। अब आते हैं 23 डिग्री साउथ। तो 23 डिग्री साउथ से जो लाइन पासिस होता है उसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ऊपर जो 23 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन पास 66 डिग्री हाफ नॉर्थ से जो लाइन पासिस होता है इसको हम लोग आर्टिक रीजन कहते हैं या आर्टिक सर्कल कहते हैं। और नीचे वाला 66 डिग्री हाफ साउथ से जो पासिस होता है उसको हम लोग अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। तो ऐसे समझ में आया होगा कि ऊपर वाले 66 नॉर्थ को आर्टिक सर्कल और नीचे वाले 66 डिग्री साउथ को हम लोग अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। दोनों में फ्रीज जोन होता है, ऐसे याद रख सकते हैं कि यह दोनों जगह क्या बनता है, तो फ्रीज जोन बनता है। और फ्रीज जोन बनने का भी कॉज होता है क्योंकि यहाँ प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुँच पाता और इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यह एरिया स्नोई एरिया होता है। और यहाँ का लाइफ भी बहुत काफ़ी डिफिकल्टी होता है। अब इस तरह से समझ सकते हैं कि इक्वेटर पे सनलाइट डायरेक्ट आएगा, तो इस समय समझ सकते हैं कि हीट जोन होगा वह किसके किसके बीच में हीट जोन होगा या टेम्परेट जोन होगा। आप समझ जाइएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हीट जोन और टेम्परेट जोन आता है। तो आपको समझ डेवलप हो गया होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही क्या आता है, तो हीट जोन आता है। अब आते हैं फिर कुछ इसके पॉइंट्स को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बारे में समझिए। तो इक्वेटर क्या होता है? तो लॉन्गेस्ट पैरेलल जो आपको समझाया अभी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना डिग्री से पास होता है? तो 23.5 नॉर्थ डिग्री से पास है। यह ओवरहेड सन, इसमें ओवरहेड सन कब होता है? तो 21 जून को। ओवरहेड कहने का मीनिंग है उस दिन डे लॉन्ग होता है और नाइट शॉर्ट होता है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कब होता है? 23.5 डिग्री साउथ। और इस दिन ओवरहेड सन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। तो याद रख सकते हैं कि 22 दिसंबर को क्या होगा? डे लॉन्गेस्ट होगा और नाइट शॉर्ट होगा। अब आते हैं कि आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल कितना डिग्री होता है? तो 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल है। अब अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, आपको अंटार्कटिक सर्कल है, दिया देखिए ये दिख रहा है 66.5 डिग्री साउथ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा कि फ्रीड जोन को ही हम लोग कोल्ड जोन कहते हैं और लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग क्या कहते हैं? मेरिडियंस कहते हैं। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा कि मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स को कहते हैं और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब आते हैं इधर, उसके बाद आते हैं हम लोग कुछ GMT और IST। तो GMT रेफर टू एज ए वर्ल्ड टाइम। GMT से क्या होता है? वर्ल्ड के टाइम को हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो GMT को हम लोग बोलते हैं ग्रीन मेरिडियन टाइम, और यह लंदन से मेजर किया जाता है। तो याद रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड का टाइम लंदन से मेजर किया जाता है, और जहाँ से टाइम मेजर किया जाता है उसको हम लोग GMT कहते हैं। यह क्या GMT का फुल फॉर्म होता है? तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो क्या करता है? रेफर टू एज ए वर्ल्ड टाइम, यानी यह वर्ल्ड के टाइम को रेफर करता है, यानी इंडिकेट करता है। IST रेफर टू इंडियन टाइम, यानी हम लोगों को जो इंडियन टाइम है वह रेफर किससे होता है? तो IST से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। यह कहाँ से मेजर किया जाता है? तो इलाहाबाद के, मिर्जापुर जगह है इलाहाबाद में, वहीं से इंडियन टाइम मेजर्ड किया जाता है। IST अहेड ऑफ GMT, यानी IST जो है GMT से कितना घंटा आगे है? तो 5 आवर्स 30 मिनट, यानी 5 आवर्स 30 मिनट्स हम लोगों का जो टाइम है IST वह GMT से आगे है। अब आते हैं डिवाइड द वर्ल्ड टाइम, कहा गया है पूरे वर्ल्ड के टाइम को 24 जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के टाइम को कितने जोन में डिवाइड किया गया है? तो 24 जोन में डिवाइड किया गया है। तो चलिए आज आप लोग का यही तक है, फिर इसके बाद इसमें कुछ और डीपली पॉइंट्स है जो आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग करना है। डेट्स ऑल।